नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला। 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सर, मैं जानना चाहूँगा कि योग को आप साइंस के रूप में देखते हैं या धर्म के रूप में? योग धर्म के रूप में ना देखा जाए, योग हेल्थ और साइंस के रूप में देखा जाए। ये हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत महिला मोर्चा जिला मंत्री। मुझे बहुत सुकून मिलता है योगा करने से, और मुझे ऐसा लगता है कि योगा हर औरत को करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। जात धर्म के नाम पे योगा नहीं है, योगा इंसान की फिटनेस के लिए है, और मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान योगा करे। सबसे पहले तो मैं योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ख़ास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया में योगा को जो है एक सम्मान देने का काम किया। योग जो है अपने आप में शरीर को स्वस्थ रखने, मन को शांत रखने के लिए एक तरीके का एक्सरसाइज है। और आज बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज के लोग योगा करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। समाज में जो धारणा गलत फैलाई गई है योगा को लेकर के, मैं चाहता हूँ समाज के लोगों को। मेरा नाम मिसबा, मैं अपने हेल्थ के बारे में सोच के यहाँ आई हूँ, और मुझे काफ़ी बेटर महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा मुझे योगा करने के लिए। जहाँ तक कि मेरा कहना है कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, यह हमारे हेल्थ के लिए है और हमारे बॉडी फिटनेस के लिए है। अगर हम करते हैं इससे हमारे स्वास्थ्य और हमारे काफ़ी बीमारियों से हमें है ना इससे निजात मिलती है, और हम नसों के लिए अच्छा होता है। इसके पहले भी आपने योगा किया? जी नहीं, मैंने योगा तो नहीं की हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में जानती हूँ कि ये अपने जिस्म के लिए बहुत अच्छा है, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। छोटा बड़ा बच्चे सब कर सकते हैं। को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के।